इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में टेक्सास में यूएस मेक्सिको का बॉर्डर दिखाया जाता है, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर से एजेंट्स पेट्रोलिंग पर होते हैं, तो उन्हें नीचे कुछ हलचल महसूस होती है, तो उस एरिया में लाइट मारते हैं तो देखते हैं कि काफी लोग भाग रहे हैं। ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इलीगली। तभी यहाँ पर काफी पुलिस की कार्स आ जाती हैं और सबको घेर लिया जाता है, मगर एक आदमी एक तरफ भागने लगता है तो कुछ पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो आदमी एक जगह रुककर एक बॉम्ब को डिटोनेट कर लेता है और खुद को भी उड़ा लेता है, और धमाके से कुछ पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कैंसस सिटी दिखाया जाता है, जहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ टेररिस्ट घुस आते हैं। ये लोग सुसाइड बॉम्बर्स हैं और बॉम्ब डिटोनेट करके अपने साथ साथ काफी सिविलियंस को भी मार देते हैं, और इसमें काफी बच्चों की भी मौत हो जाती है। और इन सब घटनाओं के बाद यूएस के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं, और वो पूरी यूएस फोर्स को लगा देते हैं मिशन पर कि कैसे भी ये सब रोका जाए। यह चिंता की बात थी कि मेक्सिको से यूएस ग्राउंड में टेररिस्ट को स्मगल करके भेजा जा रहा है। पहले ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी और अब इंसानों की स्मगलिंग हो रही है अक्रॉस यूएस मेक्सिको बॉर्डर। नेक्स्ट सीन में सोमालिया का एक टेररिस्ट बेस दिखाया जाता है, जहां पर यूएस फोर्स के एजेंट्स रात के अंधेरे में हमला करके सबको मारकर बशर नाम के आदमी को हिरासत में ले लेते हैं। और अब CIA का एजेंट मैट ग्रेवर को बुलाया जाता है इस आदमी से पूछताछ करने के लिए। ये टेररिस्ट की स्मगलिंग के लिए सस्पेक्ट था। मैट को लगता है कि कैंसर सिटी में हुए स्टोर में सुसाइड बॉम्बिंग में कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर है, क्योंकि टेररिस्ट फ्लाइट से तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, जरूर शिप से स्मगल करके वहां पहुंचाया है बशीर ने। मैट उसे धमकाता है कि अपने बॉस का नाम बता दो, नहीं तो तुम्हारे घर को एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया जाएगा और तुम अपनी फैमिली से हाथ धो बैठोगे। बशीर कुछ नहीं बताता तो मैट एयर स्ट्राइक करवाकर बशीर के घर को उड़ा देता है। वही टेक्सास बॉर्डर के पास एक टाउन में एक यंग मैक्सिकन लड़के को दिखाया जाता है, और उसका नाम मिगुअल है। ये स्कूल बंक करके हेक्टर नाम के लड़के के साथ बॉर्डर एरिया के पास नशेबाजी करता है। हेक्टर के कुछ साथी कार्टल्स के लिए इन्फॉर्मर का काम करते हैं, और वो भी यहाँ पर रिवर की दूसरी तरफ मौजूद थे। हेक्टर मिगुअल को पैसे देकर कहता है कि तुम भी हमारे साथ कार्टल में शामिल हो जाओ, काफी पैसे कमा लोगे, और मिगुअल बेमन से मान जाता है क्योंकि ये इजी मनी लग रहा था उसे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वॉशिंगटन DC में मैट को सिंथिया नाम की एक ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स रायली से मिलवाती है, ताकि नए मिशन के लिए चर्चा हो सके। ये लोग मेक्सिको के कार्टल्स के बीच में वॉर करवाना चाहते हैं, ताकि इस टेररिस्ट स्मगलिंग का किसी तरह अंत हो सके। इनका प्लान है मेटामोरस कार्टल के खिलाफ और उनके ओपोनेंट के खिलाफ गड़बड़ करना, ताकि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में आपस में वॉर छिड़ जाए। मेटामोरस कार्टल्स का ओपोनेंट है कार्लोस रीज। मैट को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि शुरुआत करने के लिए कार्लोस रीज की बेटी को किडनैप कर लो, पर मैट कहता है कि मेरी एक कंडीशन है कि मेरे काम करने का तरीका काफी डर्टी है। तो ऑफिशियल्स कहते हैं कि मैट यही तो हम तुमसे चाहते हैं, इसलिए तो तुम्हें चुना गया है। मैट कहता है कि इस काम के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो जेम्स रायली कहता है कि तुम्हें हमारा फुल सपोर्ट है। मैट को एक आदमी उसकी जरूरत का सामान और टीम मेंबर्स मुहैया करवा देता है। मैट इसके बाद कोलंबिया में एलिहांड्रो से मिलने जाता है, जो कि यहाँ रिटायरमेंट के बाद आराम से रह रहा होता है। मैट कहता है कि तुम कार्टल्स के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ दो। दरअसल एलिहांड्रो कार्टल्स से सख्त नफरत करता है, क्योंकि कार्टल्स की वजह से ही उसकी फैमिली मारी गई, तो वो मैट का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एलिहांड्रो कुछ लोगों के साथ मेक्सिको सिटी पहुंच जाता है, और ये एक कार पर हमला कर देते हैं। इस कार में से एक मोटा आदमी निकलकर भागने लगता है, तो एलिहांड्रो इसके पैरों में गोली मार देता है, और फिर चश्मा पहनाता है कि मरने से पहले मारने वाले को अच्छे से देख लो, और फिर एलिहांड्रो उस आदमी को मार देता है। ये आदमी मेटामोरस कार्टल का बेस्ट लॉयर था, और मीडिया में अब ये खबर थी कि शायद कार्टल्स के राइवल ने ऐसा किया है। मतलब मैट का पहला टास्क कंप्लीट हो गया था, और अब ये कार्लोस रीज की बेटी को किडनैप करने के लिए तैयारी करते हैं। कार्लोस रीज की बेटी अपनी एक स्कूलमेट से बुरी तरह लड़ रही होती है, तो एक टीचर इन्हें प्रिंसिपल के सामने पेश करती है। तो कार्लोस रीज की बेटी कहती है कि उस लड़की ने मुझे ड्रग्स की पैदाइश कही और इसलिए मैंने इसकी ठगाई कर दी है। जब ये स्कूल से छुट्टी के टाइम आती है, तो इसके बॉडीगार्ड्स इसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं।
तो मैट और उसकी टीम इनका पीछा करते हैं। रास्ते में इस लड़की के आईपैड के और बॉडीगार्ड के मोबाइल के सिग्नल्स गायब हो जाते हैं, तो बॉडीगार्ड को शक होता है। ये गाड़ी तेज दौड़ाते हैं, पर तभी इनकी एक गाड़ी आगे धमाके से उड़ जाती है और एक गाड़ी इनकी गाड़ी को पीछे से ठोक देती है। मैट की टीम के लोग लड़की को उठा लेते हैं और उसका फेस कवर कर देते हैं और एक बॉडीगार्ड को कार के डोर से बांध देते हैं और उस गार्ड से कहते हैं कि कार्लो से कह देना कि मेटामोरस कार्टल से पंगे लेने का इंतजाम यही होता है। यानी मैट ने मेटामोरस और कार्लोस के बीच आग लगा दी है, मेटामोरस के वकील को मारकर और कार्लोस की बेटी को किडनैप करके। फिर इसके बाद ये कार्लोस की बेटी इसाबेल को टेक्सास शहर के एक घर ले जाते हैं और फिर दिखाने के लिए एक फेक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं और इसमें इसाबेल को वापस ले जाते हैं मैक्सिको की तरफ। बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको पुलिस इन्हें एस्कॉर्ट कर रही होती है, पर अचानक मैक्सिको पुलिस वाले इन्हें डबल क्रॉस करते हैं और मैट और उसकी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग के बीच इसाबेल वैन से उतरकर भाग जाती है और मैट और एलेहांड्रो अपनी टीम के साथ काफी पुलिस वालों को मारकर बचे कुचे पुलिस वालों से सरेंडर करवा लेते हैं। वो पुलिस वाले जान की भीख मांग रहे होते हैं, पर एक पुलिस वाला काफी सयाना निकलता है और वो फायरिंग करने लगता है, तो मैट और उसकी टीम सबको धराशायी कर देती है। और अब मैट और उसकी टीम को मजबूरन अब वापस यूएस आना पड़ता है और एलेहांड्रो इसाबेल को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। यूएस में पहुंचने के बाद मैट को सिंधिया कहती है कि अब मैक्सिकन गवर्नमेंट को हमारे ऑपरेशन का पता चल गया है, तो अब अपना मिशन तुरंत रोक दो। सिंथिया ये भी बताती है कि कैंसर सिटी में हुई सुसाइड बॉम्बिंग कार्टल्स का काम नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट ग्रुप का है और अब सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि प्रेसिडेंट को अपने इम्पीचमेंट का डर है, तो उन्होंने इस ऑपरेशन को शटडाउन करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन मैट उससे आर्ग्यू करता है और कहता है कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। वहीं जब इसाबेल भाग रही होती है तो एक एजेंट उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर यहाँ एलेहांड्रो आकर उस आदमी को टपका देता है और फिर इसाबेल को बचाकर यहाँ से ले जाता है। रास्ते में एलेहांड्रो इसाबेल को तसल्ली देता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो ये भी बताता है कि वो इसाबेल के फादर के दुश्मनों में से एक है। इन्हें रास्ते में एक बहरा आदमी मिलता है जिसका नाम एंजल है। एलेहांड्रो उसे इशारे में बताता है कि मुझे और इसाबेल को खाना और पानी चाहिए, तो एंजल उसे इशारे में पूछता है कि तुमने ये साइन लैंग्वेज कहाँ से सीखी, तो एलेहांड्रो बताता है कि अपनी बेटी से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। रात को इसाबेल को रियलाइज होता है कि एलेहांड्रो तो वही लॉयर है जिसकी फैमिली को उसके पिता ने मरवा दिया था फॉस्टो एलकार्नो के हाथों से। फॉस्टो एलकार्नो वही आदमी है जिसको एलेहांड्रो ने सिकारियो मूवी के फर्स्ट पार्ट में लास्ट में मारा था। जब एलेहांड्रो की बात मैट से होती है तो मैट उसे ऑर्डर देता है कि इसाबेल को खत्म कर दो, क्योंकि उसने मैक्सिकन पुलिस को अपनी आंखों से मरते देखा है जिन्हें हमने मारा था, तो वो आई विटनेस है। पर एलेहांड्रो ऐसा करने से मना कर देता है, यानी अब ऑफिशियली वो अब बागी हो गया है। एलेहांड्रो इसाबेल के शूज में एक ट्रांसमीटर फिट कर देता है ताकि अगर इसाबेल उससे सेपरेट हो जाए तो वो उसे ढूंढ सके। दूसरी तरफ मैट एक टीम तैयार करता है एलेहांड्रो और इसाबेल को खत्म करने के लिए। वहीं एलेहांड्रो अब डिसाइड करता है कि वो स्मगल करके इसाबेल को बॉर्डर क्रॉस करवाएगा ताकि यूएस एजेंट्स उस तक नहीं पहुंच सकें। वो उसके बाल काट कर उसे एक नया लुक देता है और नया नाम भी, जो कि है करीना। वे एक बस बोर्ड करते हैं जिसमें और भी मैक्सिकन चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, पर यहाँ पर एक लड़का इसाबेल को पहचान लेता है और अपने लीडर को बता देता है। और अब इस गैंग के लीडर को लगता है कि वो इसाबेल के बदले उसके पिता से मोटी रकम हासिल कर सकता है, तो गैंग लीडर जोस नाम के लड़के को एलेहांड्रो को मारने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और खुद ही मारा जाता है। इसके बाद मीगुएल से कहा जाता है ये काम करने को। वो एलेहांड्रो के जबड़े में शूट कर देता है। ऐसा लगता है मानो एलेहांड्रो मर चुका है और फिर गैंग मेंबर्स यहाँ से निकल जाते हैं। ऊपर से मैट और उसका पार्टनर स्टीव ये सब देख रहे थे। मैट कहता है कि ये सही टाइम है प्लेस को क्लीन अप करने का। गैंग मेंबर्स रास्ते में मीगुएल को उसके काम पर कांग्रेचुलेशन करते हैं, पर मीगुएल कहता है मुझे तुम्हारी इस गंदी दुनिया में नहीं रहना, और वो वैन से कूद जाता है। इसके बाद मैट और उसकी टीम इन सब तक पहुंचकर सबका काम तमाम कर देती है। मैट फिर इसाबेल को ढूंढ लेता है और डिसाइड करता है कि वो इसाबेल को वापस यूएस ले जाएगा ताकि इसाबेल को विटनेस प्रोटेक्शन में रखा जा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेहांड्रो अभी भी जिंदा है, पर उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका है। वो जोस की बेल्ट की हेल्प से अपने आप को फ्री करा लेता है और फिर
गैंग की वैन तक पहुंच जाता है जहां उसे हथियार भी मिल जाते हैं। जब ये यहां से जा रहा होता है तो दो गैंग मेंबर्स इसको शूट करते हैं, पर एलिहांड्रो उन पर ग्रेनेड फेंक देता है जिससे उनकी कार उड़ जाती है। और अब एलिहांड्रो की हालत काफी खराब थी, वो ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा होता, उसकी गाड़ी एक पोस्ट में जाकर टकरा जाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मिगुअल अब एक शॉपिंग मॉल में फूड कोर्ट में जॉब करता है। उसने पूरी बॉडी पर टैटू बनवा रखे थे और उसे अपने बैक रूम में एलिहांड्रो मिलता है जिसके फेस के घाव अब हील हो चुके थे। एलिहांड्रो डिसाइड करता है कि वो मिगुअल को सिखाएगा एक शिकारियों के तरीके, यानी कि हिटमैन के। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।